नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश गैजेट्स एंड टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल शुरू होने वाली है कल से, यानी कि 10 अक्टूबर से, और यहां पर काफी कमाल के स्मार्टफोन्स लिस्टेड हैं सेल के लिए और आपको काफी कमाल का डिस्काउंट यहां पर देखने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आप काफी कंफ्यूजन आपके बीच में बना हो कि हम कौन सा स्मार्टफोन खरीदें, कौन सा मॉडल खरीदें और कौन से बजट में हम जाएं दोस्तों, तो मैंने यहां पर लिस्ट तैयार करी है 5 to 10, 10 to 15 और 15,000 से अबव जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं उन सब में से आपको कौन कौन सी कैटेगरी में कौन से स्मार्टफोन परचेज करने हैं ताकि आपका काम आसान हो जाए दोस्तों और आप अच्छी डील यहां पर चूज कर पाओ। दोस्तों यहां पर काफी कमाल के ब्रांड्स के भी फोन हैं, तो इस वीडियो में हम सारी बातें यहां पर डिस्कस करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं इस तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों यहां पर काफी कमाल के ब्रांड्स के स्मार्टफोन है, जैसे आसूस हो गया, शाओमी हो गया, यहां पर ओप्पो हो गया, पोको हो गया और भी कई ब्रांड्स हैं जिनके स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर हमको सबसे बेस्ट वैल्यू की डील को पिक करना है, सबसे पहली चॉइस हमारी होगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कौन कौन से स्मार्टफोन हैं जो आपको लिस्ट मिलेगी यहाँ पर देखने को, जिनमें आपको हैवी डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कमाल के फ़ोन्स हैं, यहाँ पर वीवो की तरफ से है, ओप्पो की तरफ से है, जैसे कि वीवो V9 हो गया, यहाँ पर रियलमी 2 हो गया, रियलमी C1 हो गया, रियलमी 2 प्रो हो गया, शाओमी का रेडमी नोट 5 प्रो हो गया जो कि काफ़ी पॉपुलर स्मार्टफोन है, आप सबको मालूम होगा। यहाँ पर ओप्पो की तरफ से भी स्मार्टफोन है, ओप्पो का F9 हो गया, F9 प्रो हो गया। यहाँ पर काफ़ी कमाल की डील्स और भी हैं दोस्तों, जैसे कि शाओमी का रेडमी 5 हो गया, शाओमी रेडमी 6 हो गया, शाओमी MI Mix 2 हो गया। यहाँ पर नोकिया की तरफ से भी है नोकिया 5.1 प्लस जो कि लेटेस्ट स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है, और यहाँ पर नोकिया 6.1 प्लस भी आपको देखने को मिला है जिनमें आपको काफ़ी हैवी डिस्काउंट यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर आसूस की तरफ से आसूस ZenFone Max Pro M1 हो गया, इसके तीनों ही वेरियंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में आपको मिलता है आसूस ZenFone 5Z, काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ में आता है। यहाँ पर आपको 845 चिप का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कमाल की चिप है। यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S8 है, यहाँ पर थोड़ा सा लो वैल्यू वाले फ़ोन भी हैं जिनकी मतलब प्राइसिंग आपको थोड़ा सा कम मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी On6 हो गया, सैमसंग On Next हो गया, यहाँ पर सैमसंग का दूसरा फ़ोन है सैमसंग Z3 Pro हो गया, सैमसंग On8 हो गया, यहाँ पर Huawei की तरफ से भी फ़ोन है Honor 10 हो गया, यहाँ पर Honor 9N हो गया, और भी कई सारे ब्रांड्स के स्मार्टफोन जैसे Intex हो गया, Panasonic हो गया, और आपको Lenovo के भी फ़ोन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। लेकिन इन सब में से कौन सा स्मार्टफोन आपको पिक करना है, यहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी लिस्ट आपको बता दूंगा कि मेरी चॉइसेस कौन सी हैं। अगर मैं स्मार्टफोन लेता इस बजट में तो मैं कौन से स्मार्टफोन चूज़ करता दोस्तों, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आपकी ओपिनियन हो सकती कुछ अलग हो दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छी रहेगी, आपको हेल्प करेगी ओपिनियन, तो मेरे साथ में बने रहिए दोस्तों और आप लास्ट तक देख लीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाए दोस्तों। यहाँ पर 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो मैंने अपनी लिस्ट बनाई है 5 स्मार्टफोन की है, सबसे पहली चॉइस है मेरी रियलमी C1। यहाँ पर दोस्तों काफ़ी कमाल की स्पेसिफिकेशन आपको मिलेंगी और जो उसका ओरिजिनल प्राइस था 8,990 रुपीज़, और यहाँ पर सेल में आपको मिलेगा 6,999 रुपीज़ में। और साथ में दोस्तों जितने भी स्मार्टफोन है आपको बाई बैक गारंटी, कैश बैक और यहाँ पर HDFC के कार्ड पे भी आपको 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी कमाल की बात है, चाहे आप HDFC का डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप क्रेडिट कार्ड यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। तो सारे ही स्मार्टफोन पे आप देख लेना, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन कर लेना, लेकिन मैं आपको खाली प्राइसिंग बताऊंगा और थोड़ा बहुत फीचर भी आपको बता दूंगा कि कौन से बेस्ट फीचर इन स्मार्टफोन्स पे आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों जो रियलमी C1 है इसका प्राइस आपको काफ़ी कमाल का मिल रहा है, साथ में नॉच मिल रही है, फेस अनलॉक फीचर मिल रहा है और यहाँ पर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन की तरफ से 450 और आपको यहाँ पर लो कॉस्ट EMI भी मिल रही है जो कि काफ़ी कमाल की है, और साथ में आपको नॉच जो मिल रही है वो काफ़ी कमाल की है इस बजट में, और यहाँ पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है और बैटरी बैकअप भी काफ़ी कमाल का होने वाला है क्योंकि यहाँ पर 4230mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी कमाल का बैकअप देगी इस साइज में। और दोस्तों जो दूसरी चॉइस है मेरी तरफ से इस बजट में 5 to 10,000 के बीच में इस बिग बिलियन डे सेल के लिए, तो यहाँ पर निकल के आती है आसूस ZenFone Max Pro M1। यहाँ पर जो वेरिएंट है दोस्तों 3GB 32GB का है जो कि काफ़ी कमाल के प्राइस में आता है, यहाँ पर 9,999 रुपीज़, और इसका जो ओरिजिनल प्राइस वेबसाइट पे लिस्ट था 10,999 रुपीज़, जो कि आता है 5,000mAh की बैटरी। भैया बैटरी चार्ज करना ही भूल जाओगे आप इस बजट में। यहाँ पर काफ़ी कमाल के हैं इसके कैमरे, 3 कैमरे के साथ में आता है, लेकिन इसमें आपको नॉच नहीं मिलती है, तो ऐसे में आप सोच लीजिए आपको नॉच चाहिए तो आप थोड़ा सा लो बजट में जा सकते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर आपको काफ़ी कमाल का मिल रहा है स्नैपड्रैगन 636, और दोस्तों डिस्प्ले का साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, साथ में आपको फुल HD+ मिल रहा है, तो सारी चीज़ें परफेक्ट हैं, प्राइस भी परफेक्ट है, तो ऐसे में ये चॉइस भी काफ़ी अच्छी हो सकती है आपके बजट के लिए दोस्तों, क्योंकि 10,000 का
से भी नीचे के बजट में ये फोन आपको मिल रहा है। तीसरी चॉइस है दोस्तों Realme 2 जो कि 8999 दिखा हुआ है, इसमें 899 का डिस्काउंट है और ये पड़ रहा है 8091 का। यहाँ पर आपको नॉच मिलती है, 3GB 32GB मिलता है स्टोरेज, और यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है क्वालकॉम 450 चिप का सपोर्ट जो कि आपको क्वालकॉम की तरफ से है, 40nm की टेक्नोलॉजी पे काम करती है दोस्तों। यहाँ पर आपको भी नो कॉस्ट EMI भी देनी पड़ेगी HDFC बैंक के साथ में, तो ऐसे में काफ़ी कमाल के हैं सारे ही डिस्काउंट। और दोस्तों यहाँ पर इस सेल को आपको मिस नहीं करना चाहिए क्योंकि ये साल में एक ही टाइम आता है जिसमें आपको ये सेल मिलती है और काफ़ी कमाल के डिस्काउंट आपको मिलते हैं। बाकी साल में तो स्मार्टफोन के प्राइस आसमान छूते रहते हैं दोस्तों, तो काफ़ी कमाल का है ये टाइम, तो आप इसका फ़ायदा ले सकते हो अगर आपने कुछ प्लान करा है इन 2-3 महीनों में या 2-3 महीने के बाद स्मार्टफोन लेने का, तो आप अभी ले सकते हो क्योंकि ये सेल दोबारा नहीं आने वाली है दोस्तों। यहाँ पर चौथा ऑप्शन मेरे पास में आता है Xiaomi Redmi 6 जो कि 8999 का ओरिजिनल प्राइस है, और आपको मिलेगा यहाँ पर 7999 का। ट्रिपल कैमरा है, 3GB रैम है इसमें, 3000mAh की बैटरी है, और यहाँ पर MediaTek का P22 आपको प्रोसेसर मिलता है, Helio P22, और 12nm टेक्नोलॉजी पे काम करता है, काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है, 2018 के सेकंड क्वार्टर का आया हुआ प्रोसेसर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी आपको नॉच नहीं मिलती है, तो ऐसे में अगर नॉच का ऑप्शन चाहिए तो सबसे पहला ऑप्शन Realme C1 आपके लिए है दोस्तों। यहाँ पर अगला स्मार्टफोन आता है जो कि पांचवी चॉइस है मेरी, यहाँ पर Redmi 5A है जिसका प्राइस आपको मिलता है 5999 रुपीज़, काफ़ी कमाल की प्राइस है, और आपको यहाँ पर मिलती है 2GB की रैम, 16GB स्टोरेज, डुअल कैमरा, 3000mAh की बैटरी, यहाँ पर प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 625 मतलब 28nm की टेक्नोलॉजी पे काम करता है, काफ़ी पुराना प्रोसेसर है, 2016 में बना हुआ है और विदाउट नॉच है। तो शुरू के अगर तीन ऑप्शंस आप देखोगे तो काफ़ी कमाल के हैं, उनमें से आप कोई सभी पिक कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पर्सनली लेता तो मैं Asus ZenFone को लेता यहाँ पर, Asus ZenFone Max Pro M1, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैल्यू इस प्राइस में दे रहा है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अब आते हैं 10,000 to 15,000, यहाँ पर सबसे पहली चॉइस मेरी रहेगी जो सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन था 2018 का Xiaomi की तरफ से, Xiaomi Redmi Note 5 Pro, काफ़ी कमाल की वैल्यू देता है, कैमरे काफ़ी कमाल के हैं, डिज़ाइन काफ़ी कमाल का है, 14,999 का प्राइस था, और यहाँ पर आपको मिलता है ये 12,999 में, स्नैपड्रैगन 636 AI कैमरे हैं इसमें, फेस अनलॉक फीचर है, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, और आपको इसमें काफ़ी हाई वैल्यू मिलती है स्मार्टफोन की, और बहुत सारी अच्छी रेटिंग है इसकी फ्लिपकार्ट पे दोस्तों, ऐसे में 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको रेट किया है फ्लिपकार्ट पे, जो कि काफ़ी कमाल की बात है दोस्तों। नेक्स्ट फोन निकल के आता है नोकिया की तरफ से जो मेरी सेकंड चॉइस है 10,000 to 15,000 के बीच में इस बिग बिलियन डे सेल में, तो नोकिया का 5.1 प्लस काफ़ी लेटेस्ट फ़ोन है और आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू देता है, इसका जो पुराना प्राइस है 10,199 रुपीज़, और आपको पड़ता है अभी ये 10,999 रुपीज़ में, जो कि काफ़ी कमाल की प्राइस है, इसमें आपको 2200 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है, और साथ ही मगर ये प्राइस हो सकता है आपका 10,499 रुपीज़, जो कि काफ़ी कमाल का प्राइस है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और शायद ही कभी आपको इस प्राइस से भी लो प्राइस में ये फ़ोन देखने को मिलेगा। साथ में आपको नॉच मिलती है, फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, और Helio P60 का आपको सपोर्ट मिल रहा है दोस्तों, काफ़ी कमाल की चिप है यहाँ पर MediaTek की तरफ से, और 3GB की रैम, आपको 3060mAh की बैटरी मिल रही है, और 5.8 इंचेस का आपको HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा है दोस्तों। नोकिया की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, और ऐसे में आपको लेटेस्ट फ़ोन इस डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है, तो काफ़ी कमाल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होने वाला है। तीसरी चॉइस आती है मेरे पास में Realme 2 Pro की, जो कि काफ़ी कमाल का फ़ोन है, इसको मैं एक्चुअली फर्स्ट चॉइस पे भी रख सकता था, लेकिन यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी है और पॉपुलैरिटी के हिसाब से, जो ट्रस्ट है उसके हिसाब से मैंने रखा हुआ है, क्योंकि Xiaomi Redmi Note 5 Pro काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन रहा है, इसने अच्छी वैल्यू दी है मार्केट को, तो ऐसे में Realme 2 Pro तो अभी लॉन्च हुआ है, तो ऐसे में पता नहीं क्या हो सकता है इसका फ्यूचर, कैसा है इसका पूरा मतलब फीडबैक। तो दोस्तों यहाँ पर तीसरा नंबर है Realme 2 Pro का, काफ़ी कमाल की वैल्यू देता है 14,990 रुपीज़ में, स्नैपड्रैगन 660 का आपको सपोर्ट मिलता है, और आपको इस डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा ये 13,990 रुपीज़ का, और इसमें आप 10% डिस्काउंट और एड ऑन कर सकते हो HDFC कार्ड के साथ में, तो दोस्तों यहाँ पर EMI भी आपको अवेलेबल हो जाएगी स्मार्टफोन के साथ में। सबसे बढ़िया बात है ना, प्रोसेसर काफ़ी कमाल का है, यहाँ पर नॉच मिल रही है, रैम रोम भी अच्छा कॉम्बिनेशन है, और कैमरे भी काफ़ी कमाल के हैं दोस्तों, सारे ही फीचर आपको इस बजट में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है दोस्तों। चौथी चॉइस जो मेरी है 10,000 to 15,000 के बीच में, Asus ZenFone Max Pro M1
क्योंकि काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है और यहाँ पर आपको 12,999 रुपीज़ का पड़ेगा और इसके जो ओल्ड प्राइस था 14,999 रुपीज़ स्नैपड्रैगन 636 के साथ में आता है और यहाँ पर कैमरे आपको तीन मिलते हैं, दो बैक में और एक फ्रंट में, 16+5 मेगापिक्सल बैक में और 16 मेगापिक्सल फ्रंट पे। दोस्तों फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है जो कि काफ़ी कमाल की बात है, मतलब 5000 mAh मतलब आप दो दिन तक तो चार्ज ही मत कीजिए फ़ोन को। दोस्तों यहाँ पर इसका अनदर वेरिएंट भी आता है जो कि 12,990 रुपीज़ का पड़ता है और यहाँ पर सेल में पड़ रहा है 10,999 रुपीज़ का, 4GB 64 के साथ में आता है और जो मैंने आपको बताया है ये आता है 6GB 64GB के साथ में, काफ़ी कमाल है, मतलब 6GB की रैम मिल रही है आपको इस स्मार्टफोन पे। जो लास्ट चॉइस है पाँचवीं मेरी वो है नोकिया 6.1 प्लस, थोड़ा सा बजट हाई है लेकिन काफ़ी कमाल का फ़ोन है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। एज यूजल आपको पता होगा कि नोकिया काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी स्मार्टफोन पे प्रोवाइड करता है। 17,600 का ये स्मार्टफोन है और ऑफर के टाइम पे आपको मिलेगा ये 14,999 रुपीज़ का, तो इसमें दोस्तों 2,600 रुपीज़ का आपको फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है इस नोकिया के 6.1 प्लस स्मार्टफोन के साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 636 का सपोर्ट, फुल एचडी प्लस, 3060 mAh की बैटरी मिल रही है, ट्रिपल कैमरा मिल रहा है 16+5+16 मेगापिक्सल जो कि काफ़ी कमाल की बात है और यहाँ पर आपको नॉच भी मिलती है और स्टोरेज आपको मिलता है 64GB का और रैम मिलती है 4GB की, काफ़ी कमाल के हैं ना सारे ही फीचर्स इस स्मार्टफोन पे। दोस्तों यहाँ पर आता है अगला नंबर आता है Honor 9N का, इनमें से आप कोई सा भी स्मार्टफोन खरीदोगे ना खुश रहोगे, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन्स हैं। Honor 9N जो इसका प्राइस है 11,999 रुपीज़ और ये पड़ता है सीधे 9,999 रुपीज़, मतलब जो 999 है ना काफ़ी कन्फ्यूजन होता है बोलते हुए। दोस्तों काफ़ी कमाल की वैल्यू देता है Honor 9N भी। अब चलते हैं दोस्तों 15,000 से ऊपर के स्मार्टफोन पे, जो हाई एंड बजट फ़ोन है उनमें से आप खरीद लीजिए LG G7 Think और यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी S8 का भी ऑप्शन आता है, लेकिन मैं आपको लेटेस्ट स्मार्टफोन सजेस्ट करूँगा दोस्तों, जो लेटेस्ट है, सिक्योरिटी पैच भी उसमें लेटेस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेटेस्ट है, प्रोसेसर भी लेटेस्ट है। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कमाल के दो स्मार्टफोन्स हैं, Asus Zenfone 5Z जो कि 29,999 रुपीज़ का आता है और यहाँ पर डिस्काउंट में आपको मिलता है 24,990 रुपीज़ का, 99 रुपीज़ का। यहाँ पर 845 चिप का सपोर्ट मिलता है, नॉच मिलती है, साथ में ट्रिपल कैमरा मिलता है, AI वाले फीचर्स मिलते हैं। दोस्तों काफ़ी कमाल का ये फ़ोन, यहाँ पर कैमरे आपको काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पर 6GB की रैम है, 64GB का स्टोरेज है, जो रैम है 1,866 MHz वाली LPDDR4X रैम है और क्वाड चैनल के साथ में आती है, साथ में आपको बैटरी भी 3300 mAh की मिल रही है, टाइप सी मिल रहा है और फास्ट चार्जिंग का भी आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। काफ़ी कमाल का ये स्मार्टफोन है, ये आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है फ्लैगशिप ग्रेड की स्पेसिफिकेशन के साथ में। दोस्तों जो अगला फ़ोन है पोको फोन F1 है, जिसको हम पोको F1 भी बोलते हैं, ये शाओमी का ही दूसरा ब्रांड है, इस पर भी आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैल्यू दे रहा है ये स्मार्टफोन इस बजट में 23,999 रुपीज़ का। यहाँ पर इसका प्राइस अभी मिल रहा है जो फ्लैश सेल में फ्लिपकार्ट की तरफ से 21,999 रुपीज़। तो ऐसे में अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो आप जल्दी खरीद लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक होने का भी काफ़ी चांस होता है। दोस्तों 21,000 की वैल्यू में काफ़ी अच्छी ये वैल्यू दे रहा है स्मार्टफोन, बाई बैक वैल्यू मिल रही है आपको, मिनिमम एक्सचेंज वैल्यू काफ़ी अच्छी मिल रही है। यहाँ पर आपको फेस अनलॉक फीचर है वो IR बेस्ड है, तो ऐसे में काफ़ी मतलब नाइट में भी आप इसको फेस अनलॉक को मदद में ले सकते हो। दोस्तों स्नैपड्रैगन 845 तो आपको पता ही है 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे काम करती है और फ्लैगशिप डिवाइसेज में आपको देखने को मिलती है, साथ में डिस्प्ले काफ़ी कमाल का है, 6GB रैम, 64GB की स्टोरेज और ट्रिपल कैमरा सेटअप, 4000 mAh की बैटरी, नॉच मिल रही है और दोस्तों काफ़ी कमाल का होने वाला है यहाँ पर एक्सपीरियंस। तो ऐसे में अगर आप कैमरा अगर अच्छा चाहते हो तो आप सैमसंग गैलेक्सी S8 को भी चूज़ कर सकते हो, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल रही है आपको 29,999 रुपीज़ का और इसका जो ओरिजिनल प्राइस था 45,999 रुपीज़। दोस्तों सारी ही वैल्यू काफ़ी कमाल की होने वाली है। यहाँ पर जो अगला फ़ोन है दोस्तों वो आता है Huawei की तरफ से, Huawei Honor 10, 32,999 रुपीज़ इसका प्राइस था और यहाँ पर आपको मिलता है 24,990 रुपीज़ जो कि फ्लैट डिस्काउंट है। इसके बाद भी अगर हम कुछ और चीज़ें इसमें ऐड करते हैं तो शायद 11,700-11,800 रुपये के आसपास में ये आपको मिल जाएगा। सबसे कमाल की वैल्यू तो यही फ़ोन दे रहा है दोस्तों।
यहाँ पर हाई सिलिकन किरिन 970 चिप का आपको सपोर्ट मिलता है, जो कि इन हाउस चिप है हुवावे की। यहाँ पर नॉच मिलती है, ट्रिपल कैमरा मिल रहा है, तीनों ही काफी पावरफुल कैमरे हैं और कैमरा सेंट्रिक के स्मार्टफोन है। 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल बैक में है और 24 मेगापिक्सल इसका फ्रंट पे लगा हुआ है। 3400 mAh की बैटरी है, 5.84 इंचेस का आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिल रहा है। काफी कमाल की है ना, तीनों ही स्मार्टफोन काफी कमाल के हैं, आप तीनों में से कोई सा भी पिक कर सकते हो। यहाँ पर Asus Zenfone 5Z, Pocophone F1 और जो तीसरा स्मार्टफोन है Huawei Honor 10, दोस्तों काफी कमाल का है सारा ही एक्सपीरियंस यहाँ पर सेल का। मुझे समझ नहीं आता कि इतना डिस्काउंट कहाँ से दे देती हैं कंपनियां, साल भर कहाँ बैठी होती हैं। तो दोस्तों अगर आपका मूड है इस बीच स्मार्टफोन खरीदने का, तो इस टाइम पे आपके पास में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में ही आप स्मार्टफोन खरीदें दोस्तों, क्योंकि ऐसी डील तो आपको कभी नहीं मिलने वाली है, फिर अगले साल का इंतजार करना होगा ऐसी डील के लिए दोस्तों। तो आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट में बताना कि आप कौन सा स्मार्टफोन खरीदने जा रहे हो दोस्तों, और मैंने काफ़ी अच्छी रिसर्च करी है इसको बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पर सिक्वेंस में लाने के लिए काफ़ी टाइम लगाया है। तो ऐसे में लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों इस वीडियो को, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। और बिग बिलियन डे सेल में एंजॉय कीजिए, अच्छी शॉपिंग कीजिए दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप और भी चीज़ें लेना चाहते हो जैसे प्रोटेक्शन हो गई मोबाइल फ़ोन की, तो वो भी आप ले सकते हो। बस यही सारी हैं बातें हैं बिग बिलियन डे सेल को लेके, ये सारे टॉप स्मार्टफोन की लिस्ट मैंने तैयार करी है बिग बिलियन डे सेल के लिए। तो आप देखते रहिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक, और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए दोस्तों। बस यही सारी हैं बातें, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।